IPL 2018 बॉल टैंपरिंग पर बैन झेल रहे वार्नर को सता रही IPL की याद। भुवनेश्वर कुमार को किया मैसेज। IPL 2018 : IPL की फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद ने डेविड वार्नर को अपनी टीम के एक कप्तान के रूप में नियुक्त किया था, लेकिन बॉल टैंपरिंग विवाद में नाम आने के बाद उन्होंने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वार्नर के लिए यह दौर बहुत ही मुश्किल भरा गुजर रहा है। बॉल टैंपरिंग मामले में दोषी पाए जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट द्वारा वार्नर पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। इतना ही नहीं, इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 11वें सीजन से भी उन्हें हाथ धोना पड़ा है। IPL की फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद ने डेविड वार्नर को अपनी टीम के एक कप्तान के रूप में नियुक्त किया था, लेकिन बॉल टैंपरिंग विवाद में नाम आने के बाद उन्होंने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। ऐसा लगता है कि डेविड वार्नर अपनी फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद को बहुत मिस कर रहे हैं। हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज और वाइस कैप्टन भुवनेश्वर कुमार फ्रेंचाइजी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए लाइव कर रहे थे कि तभी डेविड वार्नर ने भुवी को मैसेज भेज दिया। डेविड वार्नर ने भुवनेश्वर कुमार को हेलो भुवी लिखते हुए मैसेज किया। वहीं डेविड वार्नर का मैसेज देख उनके प्रशंसक लिखने लगे कि इस सीजन हम आपको बहुत मिस करेंगे। बता दें कि डेविड वार्नर की जगह सनराइजर्स हैदराबाद ने केन विलियम्स को कप्तानी सौंपी है। आपको बता दें कि कैप टाउन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने बॉल टैंपरिंग करने की योजना बनाई थी। इन खिलाड़ियों में कप्तान स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरून बैनक्रॉफ्ट भी शामिल थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पर 1-1 साल का बैन लगाया है, तो वहीं कैमरून बैनक्रॉफ्ट पर 9 महीने का बैन लगाया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद हर कोई इन खिलाड़ियों की आलोचना कर रहा था और उन्हें खूब खरी खोटी सुना रहा था। बॉल टैंपरिंग की बात स्टीव स्मिथ और अन्य खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कबूल की थी। वहीं स्टीव स्मिथ राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करने वाले थे, लेकिन उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया। इसकी पुष्टि BCCI ने की थी कि IPL 2018 में दोनों खिलाड़ी हिस्सा नहीं लेंगे।